नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनोद, और जो बाबा साहब की बातों को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रमोद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रमोद जी, एक बात बताइए, आजकल जो है संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कई लोग भगवान के रूप में देखते हैं, तो क्या है वो, भगवान है या नहीं है वो बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर अगर आज जिंदा होते और या उनकी आत्मा कहीं है, हालांकि वो भी आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, अगर होते, अगर वो कहीं देख रहे हैं, तो खुद को भगवान सुन के शायद वो बड़े असहज महसूस करते या अपमानित महसूस करते, क्योंकि बाबा साहेब आज दलित समाज के एक प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोगों के पथ प्रदर्शक है, और एक इमेंसिपेशन जो उसने दलित उन्होंने दलित वंचित पिछड़ों और महिलाओं का किया है, वो केवल हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, भगवान नहीं। क्योंकि वो ये भगवान का जो एक शब्द है, ये ब्रह्मनिकल सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट है। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर किसी भी सुपरनेचुरल पावर में या किसी अज्ञे सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए ये ब्रह्मनिकल सोसाइटी की कॉन्स्पिरेसी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और ब्रह्मनिकल सोसाइटी तो उन्हें अम्बेडकर का 11वां 12वां अवतार भी बता देगी, और उनमें उनकी जीत है, क्योंकि जब हम भगवान को मानने लगते हैं तो अपने वास्तविक अधिकारों से हम दूर हटते जाते हैं। जब हम किसी अज्ञात सत्ता को मानने लग जाते हैं तो हम अपनी चेतना को एक डिस्ट्रक्टिव, मतलब एक आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं, ना कि वास्तविक धरातल पर हम अपने लिए, खुद के लिए, समाज के लिए संघर्ष करते हैं। तो भगवान मानना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है, और मेरे हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है, आदर्श है, और एक इमेंसिपेशन के वो पथ प्रदर्शक है, जो दलित समाज उनके उस योगदान को हमेशा के लिए, जब तक ये जिंदा है, ये पृथ्वी जिंदा है, हमेशा उनका याद रखें। मुझे बात और बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है और उन्होंने संविधान को लिखा है, क्या आवश्यकता पड़ी थी संविधान को बनाने की, वो बताएं। संविधान का जो मूल रूप है, संविधान किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए कुछ आधारभूत प्रावधान और कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। तो भारत जब आज़ाद होने वाला था या उस प्रोसेस में था, तो भारत को भी अपने नागरिकों के भविष्य के लिए, आगामी भविष्य के लिए एक ऐसा दस्तावेज चाहिए था जो उनके सारी ज़रूरतों को फुलफिल कर सके और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त कर सके। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान के योगदान की रचना में अपना जो भी योगदान हो सकता था उसका पूरा भरसक प्रयास किया। और हाँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कुछ चीज़ों से बड़े चिंतित थे। वो चाहते थे कि भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र साइमल्टेनियसली चले। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति या सामाजिक न्याय का एक जीवित दस्तावेज बनाने के लिए उसमें सामाजिक न्याय के अनेक पहलुओं का समावेशन किया, जिसमें आरक्षण हो या महिलाओं की समानता हो या अन्य पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की बात हो। तो संविधान बाबा साहब के लिए सामाजिक न्याय की क्रांति का एक दस्तावेज है। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा और आज इस देश को 71 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, और संविधान में बराबर का दर्जा दिया गया है बहुजन समाज के लोगों को, लेकिन आप कहाँ समझते हैं कि बराबर हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, और आज भी क्यों पिछड़े लोग हैं कि घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, साथ में नहीं बैठने दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ तक आज भी वो बराबरी क्यों नहीं हो पाई है बाबा साहब के इतने अच्छे संविधान के बावजूद। देखिए, संविधान निशानदेह बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर के अपने भाषण में एक बात कही थी, जब वो संविधान सभा में उसको संविधान को प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी संविधान चाहे कितना भी बेहतर क्यों ना हो, कितना भी विशिष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मनसा सही नहीं होगी तो संविधान असफल हो जाएगा। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, और अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मनसा सही है, तो संविधान राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। तो जो 70-71 सालों में जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी चेतना का प्रभुत्व है, इसीलिए दलितों को, वंचित समाज को आज भी संविधान में दिए गए प्रावधानों का समुचित लाभ नहीं मिला है। जैसे आरक्षण की हम बात लेते हैं, तो लगभग देश के सभी विभागों में बैकलॉग वैकेंसीज पड़ी है, या दलितों की वैकेंसीज को जानबूझकर इंटेंशनली फिल नहीं किया गया है। तो संविधान में सामाजिक न्याय के लिए प्रावधानों की कमी नहीं है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने वालों की मनसा में, उनकी चेतना में निशानदेह भारी कमी है। आप थे प्रोफेसर प्रमोद जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि संविधान की इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, बराबरता क्यों नहीं आ पाई है।